सो ये है एक छोटी सी पेन ड्राइव। इसके अंदर क्या होता है वो अपन देखते हैं कि कैसे वर्क करती है ये। ठीक है, इसको खोलने का तरीका, पेन ड्राइव खोलने का तरीका कुछ नहीं होता। पेन ड्राइव खुलती है तो हमेशा ब्रेक होकर खुलती है ज़्यादातर पेन ड्राइव। इसको खोलने के लिए भी अपन को क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से जो कैप दिया हुआ है इसको अपन को पुश करना है और इसको निकाल देना है। इससे इसका जो चिप है, माइक्रो चिप है, वो बाहर आ जाएंगे। अब मैं ट्वीज़र की मदद से इसको निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल ली और ये आपकी पेन ड्राइव है, कुछ इस तरह की दिखती है इंटरनल। अब इसमें चीज़ें क्या क्या यूज़ होती हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो बड़ी चिप दिख रही होगी, ये बड़ी चिप दिख रही है, ये अपनी नैंड फ्लैश बोलते हैं इसको। इसी में अपना जो भी डेटा स्टोर होता है वो इसी में होता है, जो भी आपके फोटोज़ वगैरह डेटा स्टोर होता है वो इसमें स्टोर होता है। ये अपने कनेक्टर पिन से ही, ये 2.0 है इसलिए इसमें सिर्फ 4 कनेक्टर हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसका कंट्रोलर है, एक छोटा सा सैनडिस्क इसमें लिखा हुआ है, ये इसका कंट्रोलर है। यही डिसाइड करता है कि इसमें किस तरह से डेटा जाएगा। 2.0 इंटरफेस है, कौन सी कंपनी का है, ये सब बताता है। कैपेसिटी भी इसी के अंदर लिखी जाती है, ये कितनी की होती है। आपने कुछ पेन ड्राइव देखी होंगी जिसमें हाई कैपेसिटी लिख देते हैं बट वो होती नहीं है स्कैम के थ्रू, वो भी इसी की तरह होती है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तभी वो होता है। तो वो क्या करते हैं, इस चिप को बेसिकली पेनिट्रेट कर देते हैं, फर्मवेयर इसका चेंज करके उसमें एडिट करके इसको चेंज कर देते हैं, तो ये ज़्यादा दिखाने लगती है। अब इसके अलावा अपने पास यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। बेसिकली कैपेसिटर क्या काम करते हैं, सिग्नल को स्टेबल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये सारे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये सारे कैपेसिटर्स हैं। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये इस तरह से देखते हैं, मे भी फोकस कर ले। तो ये एक रजिस्टर है, ये सारे कैपेसिटर्स हैं। बस इतनी छोटी सी एक पेन ड्राइव होती है, इसमें कुछ खास कुछ होता नहीं है। ये इसका शेल, ओके। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।